OTT2 के विनर एल्विश यादव बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। एल्विश पर पार्टियों और क्लब्स में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है और इस मामले में एल्विश का रिएक्शन सामने आ गया है। एल्विश ने वीडियो शेयर करके सफाई दी है। क्या कहा है ये जानना है तो वो तो पता लगेगा आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट रह ना जाए। एल्विश ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को फेक बताया है और कहा, मैं यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं CM योगी और पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मेरी 1% भी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मीडिया मेरा नाम खराब ना करे। जो भी आरोप लग रहे हैं उनमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। एल्विश पर आरोप है कि वो नोएडा और NCR में सांपों की बाइट वाली हाई प्रोफाइल पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते थे। नोएडा के सेक्टर 49 के थाने में एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 49 में PFA की टीम ने पार्टीज में रेड मारकर कोबरा सांप और सांपों का जहर बरामद किया है। इस पार्टी में 5 लोग भी अरेस्ट किए गए हैं, जिस पर BJP सांसद मेनका गांधी ने कस्टमर बनकर आरोपियों के इस जाल का खुलासा किया। मेनका ने एल्विश की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा, एल्विश और इस किस्म के लोग जो कोशिश करते हैं और कानून तोड़ते हैं, पुलिस को एकदम उन्हें पकड़ लेना चाहिए। एल्विश कई दिनों से सांप पहनकर नाच रहा है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस पर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही ENT Live पर।